हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आईएनएस संध्या के रूप में हिंदुस्तान को समंदर का नया प्रहरी मिल गया। आईएनएस संध्या देश का सबसे नया सर्वे जहाज है। ये जहाज हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हिंदुस्तान की सजग और सशक्त मौजूदगी दर्ज कराएगा। इसे विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत ने रक्षा के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर लिया है। तो हमारी नौसेना इतनी सशक्त हो चुकी है कि हम हिंद महासागर तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सिक्योरिटी के मामले में फर्स्ट रेस्पॉन्डर बन गए हैं। यह मैं बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। आईएनएस संध्यांग रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई मिसाल है और इससे भी आगे बढ़कर ये जहाज समुद्री क्षेत्र में दूसरे देशों की मदद के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता को भी आगे बढ़ाने जा रहा है। आपको बताते हैं इस जहाज की क्या खासियत है। दरअसल ये 2 डीजल इंजनों से चलता है। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर में चल सकता है। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। अगर गति कम कर दी जाए तो ये 26,000 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें 18 अधिकारी और 160 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। जहाज की लंबाई 288.1 फिट है। इसका वजन 3400 टन है। ये 80% स्वदेशी है। इसमें एक बुफोर्स 40 मिलीमीटर गन लगी होती है। इसमें एक चेतक हेलीकॉप्टर तैनात हो सकता है। इसकी बीम 42 फीट ऊंची है। बता दें इसकी तैनाती पूर्वी नौसैनिक कमांडर विशाखापट्टनम में की गई है। यहां से पूरे हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर नजर रखेगा। ये जहाज कई प्रकार के नौसैनिक अभियानों को अंजाम दे सकता है। ये जहाज सुरक्षित समुद्री नेविगेशन को मजबूत करेगा। ये बंदरगाहों, नौवहन चैनलों, तटीय क्षेत्रों और गहरे समुद्रों का पूर्ण पैमाने पर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण भी करेगा। माना जा रहा है कि आईएनएस संध्या अपनी खूबियों की बदौलत समुद्र में न केवल डकैती, तस्करी और दूसरे अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने में सक्षम होगा, बल्कि चीन की विस्तारवाद कोशिशों को भी रोकने में सफल बनेगा। बता दें नौसेना का ये सर्वे जहाज चीन के जासूसी जहाज को करारा जवाब देगा। ये गहरे और उतले पुतले पानी में मल्टी बीम इको साउंडर से लैस है। इसमें ऑटोनोमस अंडरवाटर सिस्टम लगा है। इसमें साइड स्कैनर, सोनार, डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण प्रणाली लगी है। ये जहाज अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से लैस है। ये सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम और स्थलीय सर्वेक्षण उपकरणों से लैस है। जितना अधिक हम समुद्र को जानते जाएंगे, हम उतने ही सार्थक रूप से अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की भी पूर्ति कर पाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आईएनएस संध्या भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडियन ओशन रीजन में महाशक्ति की भूमिका को और ताकत प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास। भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाईटेक सर्वेक्षण जहाज की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसी दिशा में काम चल रहा था जो अब जाकर पूरा हो गया। भारतीय नौसेना के पास पहले भी संध्या जहाज था। इसका पुराना वर्जन 1981 से 2001 तक इंडियन नेवी का हिस्सा रहा, जिसे 4 जून 2021 को सेवामुक्त कर दिया गया था। पुराने वर्जन के मुकाबले नया सर्वे जहाज काफी एडवांस है। अब नए सिरे से निर्माण के बाद ये जहाज संध्या नए अवतार में दोबारा आया है। इस जहाज कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इसके अलावा ऐसे 4 और सर्वे जहाज बनाए जाएंगे। इस परियोजना का संचालन भारतीय नौसेना का वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो कर रहा। खैर, आईएनएस संध्या और इसके बाद इसके जैसे अन्य जहाजों को शामिल किए जाने से नौसेना की क्षमता में और इजाफा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और चीन इसे लेकर जिस तरह से परेशान है वो भी देखने लायक है। अब आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।